नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मैटनेस और आज का हमारा व्लॉग एक बहुत ही खास व्लॉग है क्योंकि लास्ट व्लॉग आपने देखा था हमने चाइना का न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। आज का जो त्योहार है वो भी चाइना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा त्योहार है। आज है चाइना का यूनशाओजिए जिसको कहते हैं चाइना का लैंटर्न फेस्टिवल। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये त्योहार यहाँ पे किस उत्सव से मनाया जाता है। लेकिन अरे यार, ये कपड़े थोड़े से गलत है। आज इस फेस्टिवल को थोड़ा सा स्पेशल वे में मनाते हैं, देखिएगा इन 3, 2, 1। अब ये जो फीलिंग है ये है इस फेस्टिवल की फीलिंग। लग रहा है कि नहीं कि मैं इस फेस्टिवल में पूरा डूब चुका हूँ। यहाँ आने से पहले मैं गया था चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस जिसको हानफू कहते हैं वो पहनने, और आने के बाद यहाँ पर मैंने अपने टीम को थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया कि कैसे इस व्लॉग को शूट करना है। ये बिल्कुल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो यहाँ पे लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं। हम अभी तक अंदर नहीं गए लेकिन वो लाइट देख के दिख रहे हैं कि अंदर कितना सुंदर होगा। मुझे फटाफट अंदर जाके वो लाइट शो देखना है। मुझे लगता है ये कपड़े पहन के और भी अलग सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं इस फेस्टिवल में पूरा डूब चुका हूँ। ये जो है ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल तरीका है शादी का, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ऊपर वो एक लड़की खड़ी होती है जो ऊपर से एक गुलदस्ता फेंकती है और नीचे जो पकड़ता है उससे उसकी शादी होती है। मुझे लगता है मुझे भी वहां जाके देखनी पड़ेगी, मेरे बाबा वैसे ही लड़की देख रहे हैं। लैंटर्न फेस्टिवल आप लोग नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये लाइटों का त्योहार है। यहाँ की लाइटें, यहाँ के नजारे बहुत ही सुंदर है। क्यों ना मैं आपको इसका नजारा अब ऊपर ड्रोन से दिखाऊं। वेल, एक फॉरेनर को अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए देख के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर तो, और काफी लोग आए फोटो खिंचवाने। ऐसा मौका थोड़ी जाना सकता हूँ। 20 RMB एक फोटो, 20 RMB एक फोटो। और सुंदर लड़के हैं तो मैं उनको डिस्काउंट दे सकता हूँ 10 RMB एक फोटो। अरे लड़का कहाँ से आ गया, तेरे लिए 50 RMB एक फोटो। ओहो, इन प्यारे प्यारे बच्चों से मैं क्या ही पैसे लेता, लेकिन इनके बाप बाप से ले सकता हूँ। चलो 10 RMB दे देना एक एक फोटो। मजाक से हट के लोग बहुत ही प्यारे, इन्होंने बहुत प्यार से वेलकम किया। अब यहाँ पे और कोई नहीं था फोटो खिंचवाने के लिए तो मैं अपना स्वैग कंटिन्यू करके यहाँ से टाइम से निकल गया। बिल्कुल, क्योंकि ये लैंटर्न फेस्टिवल है तो सारी डेकोरेशंस है वो सुंदर लाइटों से हुई भी है। सुंदर लाइटों के साथ ही सुंदर कपड़ों में मुझे एक सुंदर सी लड़की मिली। मैंने कहा उसके साथ दोस्ती करते हैं, आज कपड़े मिल रहे हैं कल इरादे मिलेंगे। अरे रिश्ते ऐसे ही तो पक्के होते हैं। फिर मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि लड़की कितनी भी सुंदर हो, काम इज फर्स्ट प्रायोरिटी, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। अब हम चलते चलते वहाँ पे एक परफॉर्मेंस है वो चालू हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त लाइट और साउंड शो था और उसके साथ में ही कुछ ये नृत्य परफॉर्मेंस थी।